गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू केएस एजुकेशनल। आज मैं आप लोगों के साथ एसबीआई पीओ 2020 के नोटिफिकेशन पे बात करने वाला हूँ कि आप लोगों का ये नोटिफिकेशन कब आएगा और कितने वैकेंसीज के साथ आएगा, एंड ये भी आप लोगों को बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप इस एग्ज़ाम के लिए पढ़ाई करें ताकि ये एग्ज़ाम ईजिली आपका क्रैक हो पाए। और एसबीआई पीओ 2020 का नोटिफिकेशन है वो किस समय आपके साथ आ सकता है, किस समय आपके पास आएगा, किस समय आपके दरवाजा को नॉक करेगा, एंड डेफिनेटली ये एग्ज़ाम आपको क्रैक करना है बिकॉज दिस इज़ योर ड्रीम। इन सभी चीज़ों पे बात करते हैं। एक बार फिर मैं बता दूं कि केएस एजुकेशनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, और यहाँ पर जो भी मैं कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड किया हूँ इन सभी कंटेंट को बना जाइएगा, एग्ज़ाम आपका क्लियर होगा, ये मैं एश्योरेंस देता हूँ। नाउ The 2020 notification of SBI ये कब तक आपके सामने आएगा, मैं आप लोगों को थोड़ा सा पास्ट रिव्यूज देता हूं ताकि आप लोगों का ये चीज क्लियर हो जाए। चलिए मैं आप लोगों को लिए चलता हूं SBI PO 2018 के नोटिफिकेशन पे। 18 का नोटिफिकेशन देखिए आपके सामने कब आया था। ये जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की बात की जा रही थी इसमें एप्लीकेशन ये 21st of April से लेके 13th of May तक आपका फिल करने का डेट था। मतलब एक चीज क्लियर है कि जो आपका नोटिफिकेशन आया था वो 28th of April को आ गया था। 20 अप्रैल को आपका नोटिफिकेशन आया था, 21 अप्रैल से आपका ऑनलाइन फॉर्म फिल हो रहा था, 13th of May तक आपका लास्ट डेट था। और इसमें जो टोटल वैकेंसीज आपके सामने आया था ये टोटल वैकेंसीज आपका 2000 था। मतलब 2000 वैकेंसीज के साथ 2018 में एसबीआई का रिक्रूटमेंट हुआ था 28th of April पे, राइट। मतलब अप्रैल मंथ में इसका नोटिफिकेशन आपके सामने आ गया था। अब मैं आप लोगों को सीधे लिए चलता हूं 2019 का नोटिफिकेशन में ताकि आपको ये चीज क्लियर हो जाए और पता चल जाए। नाउ गाइज यू आर यू नो यू आर इन 2019 नोटिफिकेशन, आप 2019 का नोटिफिकेशन देख रहे हैं। इसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपका कब से स्टार्ट हुआ था, 2nd of April से, और लास्ट डेट आपका क्या था, 22nd of April। मतलब 2019 में आपका SBI PO नोटिफिकेशन ला दी थी 1st of April को, 1st of April पे आपका ये नोटिफिकेशन आया था, 22nd April तक लास्ट डेट था। नोटिफिकेशन कब आया, अप्रैल में आया, वो भी कब आया, 1st week of April में ही आपके पास नोटिफिकेशन आ गया था। क्लियर है कि नोटिफिकेशन कब आता है, अप्रैल में आ जाता है। अप्रैल में आपका फर्स्ट में आए, मिड में आए या फिर लास्ट में आए, नोटिफिकेशन आएगा कब, अप्रैल में आएगा। दो दो बार का मैं दिखा रहा हूं आप लोगों को, 2017 का भी दिखा दूं कोई फर्क नहीं पड़ता है, 2017 की देखने की जरूरत नहीं है। लास्ट वीक ऑफ मार्च में आपका नोटिफिकेशन SBI PO का आ जाएगा, राइट। SBI PO 2020 का नोटिफिकेशन कब तक आएगा, लास्ट ऑफ मार्च। नंबर ऑफ वैकेंसीज 2019 में आपको दिखा दूं मैं, जो नंबर ऑफ वैकेंसीज था वो 2000 था। क्या आपको पता है कि 2020 में इसका नोटिफिकेशन कितना आएगा, 2020 में इसका नोटिफिकेशन लगभग 3000 से 4000 आएगा, क्योंकि आपने देख लिया दो दो बार से आपका SBI क्लर्क में रिक्रूटमेंट हो रहा है, राइट। और ये जो रिक्रूटमेंट हो रहा है काफी अच्छा नंबर के साथ हो रहा है। अगर 8000 सपोज आप मान लो कि आपका नोटिफिकेशन आ रहा है SBI क्लर्क का दो दो बार लगातार, तो SBI PO का नोटिफिकेशन भी तो आखिर कहीं ना कहीं SBI PO का तो रिक्रूटमेंट होना चाहिए, और SBI PO का रिक्रूटमेंट होगा। क्यों, क्योंकि बिजनेस अच्छा हो रहा है। आपने देखा कि बैड लोन का प्रोविजन जो है वो काफी अच्छा हुआ है, लोन्स जो बैड लोन्स बन रहा था वो काफी कम हुआ है, तो कहीं ना कहीं SBI अपने आप को बूस्ट किया है, कहीं ना कहीं SBI में प्रॉफिट गेन हो रहा है। अगर ये हो रहा है तो बिजनेस भी तो हो रहा है, ब्रांचेस भी तो खुल रहे हैं, तो ब्रांचेस खुल रहे हैं तो पीओ की रिक्वायरमेंट भी तो होगी, पीओ की रिक्वायरमेंट होगी। कुछ ऐसे भी हैं कि रिटायर्ड हो रहे हैं, कुछ ऐसे भी हैं कि जॉब छोड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो ये जगह है, ये रिक्तियां जो है इसको फुलफिल तो किया जाएगा, और बिल्कुल होगा। मैं यही बता दूं कि सबसे ज्यादा रिक्रूटमेंट 2020 में ही होगा। आप SBI क्लर्क देख लिए, RBI देख लिए,
अब SBI PO आप देखिएगा कि कितना वैकेंसीज के साथ आता है। इसके बाद आपके सामने SBI के बाद ठीक IBPS है, IBPS का आपका ग्रामीण हो जाएगा और फिर PO और क्लर्क हो जाएगा, इन दोनों में वैकेंसीज आएगा। 2020 में जो प्रिडिक्शन था कि सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ वैकेंसीज आएगा, वो बिल्कुल होगा। मतलब साफ है माय डियर फ्रेंड्स कि आप लोगों के साथ SBI PO का नोटिफिकेशन बिल्कुल फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल या लास्ट वीक ऑफ मार्च में आ जाएगा। तो करना क्या है आप लोगों को कि अपना प्रिपरेशन का लेवल स्टार्ट कर देना है, उसको थोड़ा हाई करना है। एक और मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर आप लोगों को बताना चाहता हूं, जो कि SBI के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। SBI सबसे ज़्यादा फोकस करती है इंग्लिश पे, और यहाँ पर एक कहाँ पर आप लैग कर सकते हैं, लैग ये होगा कि अभी आप लगातार क्लर्कियल लेवल के एग्ज़ाम में टच हैं, क्लर्कियल लेवल के एग्ज़ाम के साथ टच हैं, राइट। IBPS है, RBI असिस्टेंट हो गया, और फिर आपके सामने SBI क्लर्क हो गया। अगर इन तीनों एग्ज़ाम को देखा जाए तो क्लर्कियल लेवल एग्ज़ाम हो गया, और ठीक आपके सामने तुरंत क्या आ जाएगा, अभी PO लेवल का एग्ज़ाम, SBI PO, वो भी एक्सट्रीम, राइट। SBI PO इज़ नॉट ईजी लाइक SBI क्लर्क, राइट। और SBI PO के लिए जो आपका टफनेस का लेवल होना चाहिए वो काफ़ी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम क्या देखती है, ये एग्ज़ाम देखती है आपका स्पीड, ये एग्ज़ाम देखती है आपका इंग्लिश का लेवल, ये एग्ज़ाम देखती है आपका अच्छा GD, ये एग्ज़ाम देखेगी आपका अच्छा PI, कि आप कितना कॉन्फिडेंट हैं, आपकी इंग्लिश कितनी अच्छी है, आप कितना ज़्यादा इंग्लिश में स्कोर कर सकते हो, एंड हाउ You gonna do this, ये फाइनली डिपेंड करता है कि आप कैसे इसको कर रहे हो, आप किस वे में इसको, किस अप्रोच से लेकर इसको आगे बढ़ रहे हो। तो SBI PO 2020 का नोटिफिकेशन आपके सामने जल्द आ जाएगा। आप इन चीज़ों पर ध्यान ना दें कि नोटिफिकेशन कब आएगा, कितने वैकेंसीज के साथ आएगा। नोटिफिकेशन आपका आएगा, वो भी वैकेंसीज काफ़ी अच्छा होगा, तो क्यों ना आप अपना प्रिपरेशन आज से और अभी से स्टार्ट करते हैं। एक और बात याद रखिएगा कि जो नोटिफिकेशन आता है किसी भी वैकेंसीज का, उस दिन से आपका प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाना चाहिए। प्रिपरेशन अगर नोटिफिकेशन जिस दिन आ रहा है उस दिन से आपने स्टार्ट कर दिया, तो आपका एग्जाम भी क्रैक होगा। एंड दिस इज माई एश्योरेंस, दिस इज KS एजुकेशनल एश्योरेंस। और दूसरा पॉइंट ये है कि PO लेवल को आप क्लर्कियल लेवल से कंपेयर ना करें, आप अपने आप को टफ बनाएं, क्योंकि PO का लेवल काफ़ी अच्छा होगा। तो आपने अभी देखा कि क्लर्कियल एग्ज़ाम में जो भी प्री चल रहा है, जिस तरीके से आपका RBI असिस्टेंट का एग्ज़ाम, तो इन चीज़ों को आपको थोड़ा सा स्पीड अप करना होगा, थोड़ा सा हाई लेवल का आपको हाई लेवल तक पहुँचना होगा, ताकि SBI PO आपका इजिली क्रैक हो पाए। दिस इज़ यू नो SBI PO इज़ अ ड्रीम, एंड आप लोगों को ये अचीव करना है कि किस तरीके से आपका ये ड्रीम क्लियर हो पाए, राइट माय डियर फ्रेंड्स। तो दिस इज ऑल अबाउट SBI PO 2020 की नोटिफिकेशन, आपके सामने अप्रैल में आ जाएगा। एंड आने के बाद आप इसको कैसे टैकल करते हो, किसको इसको कैसे अचीव करते हो, दिस इज हाईली डिपेंड अपॉन यू गाइज। एंड माई बेसिक फंडा इज दैट कि आज से और अभी से लग जाना चाहिए, इंग्लिश को थोड़ा सा इंप्रूव करना होगा, एंड आपका ड्रीम क्लियर हो जाएगा। तो SBI PO 2020 का नोटिफिकेशन जल्द आपके सामने आएगा, कुछ अच्छे वैकेंसीज के साथ आएगा, तो क्यों ना आज से और अभी से आप इन चीजों में लग जाएं। सो शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स, और अभी तक मैंने जो भी कंटेंट आप लोगों को यहां दिया है, बिल्कुल इन सभी कंटेंट के थ्रू जाइएगा, पजल हो या बैंकिंग अवेयरनेस हो, इन चीज़ों को यहाँ से बिल्कुल बनाइए, ताकि आपका जो टफनेस है वो इंक्रीज हो। आप जिस तरीके से मेंस को देख रहे हो, उस तरीके से आपका मेंस क्लियर हो जाए, आपका जो ड्रीम है वो बिल्कुल सच हो जाए, राइट। इन चीज़ों को सच करने के लिए आपको मेहनत करना होगा, यू हैव टू डू योर हार्डवर्क, यू हैव टू गिव योर 100% एफर्ट। और एग्ज़ाम में एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, एक्यूरेसी मेंटेन रखिए। एक्यूरेसी कब मेंटेन होगा, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। तो फाइनली हर चीज़ प्रैक्टिस पे ही होता है, तो आज आप लोगों को ये चीज़ बिल्कुल क्लियर होगा कि नोटिफिकेशन तो आपका अप्रैल में आएगा, तो अपने फेस पे स्माइल रखिए, अपने आप को मोटिवेट कीजिए, है ना।
अगर जब तक ये चीज़ आप नहीं करेंगे, अपने आप को खुश रखना, खुश रखने का कोशिश कीजिए। और फाइनली एक और ये बात होता है कि पेशेंस का लेवल काफ़ी हाई होना चाहिए, क्योंकि बैंक एक ऐसा सेक्टर है, आप एग्ज़ाम में जितना ज़्यादा यहाँ पर अपना पेशेंस दिखाएंगे, यही पेशेंस लेवल आपके बैंक में भी काम आएगा। क्योंकि आपको पता है कि SBI एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पर कि एक छोटे छोटे रिक्शे वाले, एक छोटे छोटे वर्कर 500 रुपये लेकर आएंगे आपके सामने कि डिपॉजिट करना है ये मुझे। तो सोचिए कि आप उस 500 रुपये को देखकर सोचोगे कि इतनी लंबी भीड़ हो रही है, तो मतलब पेशेंस आपको चाहिए। SBI PO इज नथिंग बट योर कॉन्फिडेंट एंड योर पेशेंस। आप जितना यहाँ पर अपना कॉन्फिडेंस और पेशेंस दिखाओगे, ये चीज़ आपका वहाँ भी हो जाएगा, राइट? तो बिल्कुल क्लियर है कि आपका ये एग्ज़ाम कैसे क्लियर होगा। इन चीज़ों पर विशेष हम लोग बात करेंगे और भी, लेकिन नोटिफिकेशन का आप लोगों को जो दिखाना था वो भी यहाँ से बिल्कुल क्लियर है। तो चलिए, शेयर कर दीजिएगा ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिएगा KS एजुकेशनल को। हम लोग मिलते हैं कुछ और टॉपिक्स के साथ, कुछ और अच्छे कंटेंट के साथ।